फिच ने गुरुवार को भारत की रेटिंग को BBB- पर रखा है। ये सबसे कम निवेश वाला ग्रेड है। फिच ने भारत को स्थिर दृष्टिकोण के साथ फिलहाल कमजोर वित्तीय स्थिति में रखा है। ये लगातार 13वां साल है जब वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने BBB- में देश का मूल्यांकन किया है। भारत को BB+ से BBB- में 1 अगस्त 2006 को स्थिर दृष्टिकोण के साथ अपग्रेड किया गया था। सूत्रों की माने तो भारत की रेटिंग एक मजबूत मध्यम अवधि के आउटलुक और मजबूत विदेशी आरक्षित बफर्स के साथ उच्च सापेक्ष ऋण, उच्च सार्वजनिक ऋण, एक कमजोर वित्तीय क्षेत्र और कुछ पिछड़े संरचनात्मक मापदंडों पर खरी उतरती है। फिच ने कहा कि भारत के क्रेडिट प्रोफाइल का समर्थन करने के लिए एक मजबूत विकास दृष्टिकोण जारी है। फिच को चालू वित्त वर्ष में 6.8% और अगले में 7.1% की वृद्धि की उम्मीद है, जो कि मौद्रिक नीति, बैंक नियमों में ढील और सरकारी खर्चों के आधार पर समर्थित है। कमजोर राजकोषीय स्थिति भारत की संप्रभु रेटिंग को बाधित करने के लिए जारी है। इस संबंध में अगली सरकार की मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति रेटिंग के दृष्टिकोण से विशेष महत्व की होगी। फिच ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB- में देश की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग IDR की पुष्टि की। आम चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक किए जाने के परिणाम स्वरूप नीतिगत एजेंडे के बारे में कुछ अस्थायी अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप ये कहा गया कि पिछले 30 वर्षों में विभिन्न राजनीतिक अनुषंगों की सरकारें आम तौर पर सुधारवादी रही हैं।